हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुपर फास्ट 100 लेकर। मैं हूं आपके साथ पूजा कविया। एक नजर देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर में संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकांश प्रावधान खत्म करने की सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। बता दें कि सरकार के फैसले के खिलाफ कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद और अन्य ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की हुई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि पाबंदियां अवैध तरीके से लगाई गई, इनके जरिए लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन किया गया है। उधर मामले में केंद्र ने कश्मीर घाटी में आतंकी हिंसा का हवाला देते हुए कहा कि कई सालों से सीमा पार से आतंकवादियों को यहां भेजा जाता था। स्थानीय उग्रवादी और अलगाववादी संगठनों ने पूरे क्षेत्र को बंधक बना रखा था और ऐसी स्थिति में अगर सरकार नागरिकों की सुरक्षा के लिए एहतियातन कदम नहीं उठाती तो यह मूर्खता होती। सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार गौरी लंकेश हत्याकांड में एसआईटी को बड़ी सफलता हाथ लग चुकी है। बेंगलुरु की एसआईटी ने हत्याकांड के फरार आरोपी ऋषिकेश को झारखंड के कतरास से गिरफ्तार किया। झारखंड पुलिस के सहयोग से बेंगलुरु से आई एसआईटी ने उद्योगपति प्रदीप खेमका की आवास पर छापेमारी की, जहां से आरोपी ऋषिकेश को पकड़ा गया। आरोपी ऋषिकेश कुछ दिनों से पहचान छिपाकर वहां रह रहा था और करतास में प्रदीप खेमका के पेट्रोल पंप के केयरटेकर के रूप में काम करता था। बता दें कि गौरी लंकेश हत्याकांड के अधिकतर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 5 सितंबर 2017 को गौरी लंकेश की बेंगलुरु स्थित उनके आवास के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति और अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने गुरुवार को एक युद्ध शक्तियों के संबंधित प्रस्ताव को पारित कर दिया, जो बिना कांग्रेस की अनुमति के ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने के लिए ट्रंप की क्षमताओं को सीमित करता है। सदन में प्रस्ताव 224-194 मतों से पारित हुआ। इसे कांग्रेस की एलिजा स्लॉटकिन ने पेश किया। इससे पहले स्लॉटकिन ने शिया मलेशिया में विशेष सीआईए विश्लेषक रूप के तौर पर काम किया। ईरान ने इराक में अमेरिकी सेना के दो बेस पर मिसाइल हमले के बाद प्रस्ताव लाया है। ईरान ने यह हमला अपने जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या के जवाब में किया था। साल 2020 का पहला चंद्रग्रहण 10 जनवरी की रात को दिखेगा। इसे पूरे भारत के साथ साथ यूरोप, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया में भी देखा जा सकेगा। इसकी कुल अवधि 4 घंटे 1 मिनट की होगी। खास बात यह है कि यह एक उपाछाया चंद्रग्रहण होगा। भारतीय समय के मुताबिक चंद्रग्रहण 10 जनवरी की रात 11 जनवरी को 2:42 पर खत्म होगा। रात 12:41 पर यह अपने सबसे विस्तृत रूप में दिखेगा, जब चंद्रमा का करीब 90% हिस्सा पृथ्वी से ढका होगा। पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी जारी है, जिसकी वजह से मैदानी इलाकों में पारा गिर रहा है। बर्फबारी से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कई इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। पिछले 3 दिनों से हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में भारी बर्फबारी हो रही है। कई इलाकों में बर्फबारी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। तापमान में भी काफी गिरावट की गई है, जिससे लोग घरों में कैद हो चुके हैं। उत्तराखंड में भी लगातार बर्फबारी जारी है, जिसके बाद मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। पिछले 72 घंटे से उत्तराखंड में भारी बर्फबारी हो रही है। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी के बाद सभी सड़कों पर वाहनों की आवाजाही ठप हो चुकी है। शिमला मंडी हाईवे बंद कर दिया गया है। मनाली में भी रिकॉर्ड बर्फबारी से जिंदगी की रफ्तार थम गई है। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर से एक्शन मोड में दिख रहे हैं। गुरुग्राम में कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे अनिल विज ने गुरुग्राम नगर निगम के जेई को सस्पेंड करने के आदेश जारी किया। दरअसल गुरुग्राम नगर निगम के कई पार्षद गृह मंत्री अनिल विज से मिलने पहुंचे थे, जहां पार्षदों ने जेई सुशांत यादव के खिलाफ नगर निगम की जमीन पर अवैध कब्जा करने की शिकायत की, जिसके बाद जेई के खिलाफ कार्रवाई की गई। अनिल विज ने कहा कि गुरुग्राम और फरीदाबाद के नगर निगम बेहद अहम हैं। यहां होने वाली हलचल की गूंज चंडीगढ़ तक सुनाई देती है। दोनों ही नगर निगम में एक एक पैसे का ऑडिट कराया जा रहा है। दोनों ही नगर निगम में किसी भी तरह का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तकरार का भारतीय उद्योग, खासकर चावल उद्योग पर असर पड़ रहा है। हालात को देखते हुए चावल व्यापारियों ने खाड़ी के देशों, विशेषकर ईरान, इराक में चावल नहीं भेजने का फैसला लिया। वहीं राइस मिलर्स ने भी चिंता जाहिर की। मिलर्स का मानना है कि अगर चावल का निर्यात रुक जाता है तो इससे मिलर्स के साथ साथ लेबर और किसानों को भी आने वाले समय में नुकसान उठाना पड़ेगा।
रादौर के मिलर्स की माने तो यदि अमेरिका और ईरान का झगड़ा जारी रहेगा तो पूरे उद्योग पर काफी फर्क पड़ेगा। ये फर्क सिर्फ व्यापारी ही नहीं बल्कि किसान पर भी पड़ने वाला है। मिलर्स ने कहा कि इस हालात से निपटने के लिए सरकार को चावल निर्यातकों से कुछ रियायतों की घोषणा कर देनी चाहिए ताकि उन्हें राहत मिल सके। बीती रात गुरुग्राम में उस वक्त अफरातफरी मच गई जब राजीव चौक के पास चलती कार में आग लग गई। हादसा दिल्ली जयपुर हाईवे पर उस वक्त हुआ जब कार सवार रेवाड़ी की तरफ जा रहे थे। कार सवार का कहना है कि राजीव चौक के नजदीक पहुंचते ही उन्हें कार से धुआं निकलता दिखाई दिया, जिसके बाद वो कार से उतर गए और देखते ही देखते कार आग के गोले में तब्दील हो गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार जलकर स्वाह हो चुकी थी। फिल्म अभिनेत्री रवीना टंडन, मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह, डायरेक्टर फराह खान की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। दरअसल फरीदाबाद में एक वकील थॉमस ने ईसाई धर्म के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाते हुए इन तीनों समेत सात लोगों के खिलाफ आईपीसी की धाराओं के तहत मामला दर्ज करने की शिकायत दी है। एडवोकेट थॉमस की माने तो एक शो के एपिसोड में ईसाई समाज के पवित्र शब्द का जमकर मजाक उड़ाया गया, जिससे ईसाइयों के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। वहीं पुलिस अब शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच की बात कह रही है। नूह में पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने 11 साल से गौ तस्करी के मामले में फरार चल रहे मोस्ट वांटेड मुन्ना और उसके साथियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों को नूह के ताबड़ू रोड से गिरफ्तार किया। बता दें कि बदमाश मुन्ना के खिलाफ पहले भी गौ तस्करी, गौकशी के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी के खिलाफ पुलिस पर फायरिंग करने का भी केस दर्ज है। पुलिस ने आरोपियों से चोरी की गई बाइक, एक देसी कट्टा, दो कारतूस भी बरामद किए। डीएसपी वीरेंद्र ने बताया कि दोनों आरोपियों को पुलिस रिमांड पर ले लिया गया है ताकि इनके गिरोह के दूसरे सदस्यों को पता लगाया जा सके। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी शुरू होने से मौसम के मिजाज में बदलाव आया। लगभग एक हफ्ते के बाद एक बार फिर से ठंड ने दस्तक दे दी। मौसम विभाग ने तापमान में गिरावट और कई राज्यों में बारिश होने की आशंका जाहिर की। बरसात के बाद अब पूरा उत्तर भारत शीतलहर और कोहरे की चपेट में है। शीतलहर से जहां मौसम में एक बार फिर से ठंडक बढ़ गई है, वहीं कोहरे के कारण वाहन चालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। शुक्रवार सुबह रादौर शहर पूरी तरह से कोहरे के आगोश में पाया गया। मौसम विभाग के मुताबिक अभी 12 और 13 जनवरी को बरसात होने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में लोगों को सर्द हवाओं का सामना करना पड़ सकता है। थोड़े दिनों की राहत के बाद कड़कड़ाती ठंड ने एक बार फिर से प्रदेश में जोरदार दस्तक दी है। प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी ने लोगों को फिर ठिठुरने पर मजबूर कर दिया। ठंड के चलते वाहन चालकों को काफी दिक्कतें आ रही हैं। महेंद्रगढ़ में हल्की बूंदाबांदी के बाद खेतों में पाला जमा है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई। किसानों का मानना है कि पारा गिरने से फसलों को नुकसान होगा। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से हाल ही में की गई एचसीएस भर्ती में खेल कोटे से चयनित हुए इंटरनेशनल शूटर विश्वजीत के स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सर्टिफिकेट पर सीनियर आईएएस अशोक खेमका ने सवाल उठाए हैं। खेमका की ओर से मामले की पूरी जांच कराने के लिए मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और कमीशन को पत्र लिखा गया। खेमका ने लिखा है कि विश्वजीत आईएएस जगदीप सिंह के बेटे हैं और ये ग्रेड ए के सर्टिफिकेट उनके खेल के विभाग निदेशक जारी रहते हुए हुआ था, जबकि उनके मेडल के हिसाब से ग्रेड बी का सर्टिफिकेट बनता है। इस पर जब सीएम से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच की जा रही है, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। इधर आईएएस अफसर अशोक खेमका के द्वारा आईएएस जगदीप सिंह के बेटे को स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सर्टिफिकेट देने के आरोप पर हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज की प्रतिक्रिया सामने आई है। गुरुग्राम में मीडिया से मुखातिब होते हुए जब अनिल विज से इस मामले पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी तक ये मामला उनके संज्ञान में नहीं था। अनिल विज ने कहा कि उन्हें अभी तक ये नहीं पता कि वो उनके खेल मंत्री पद से हटने के बाद था या फिर उससे पहले। सीएम और गृहमंत्री में सीआईडी विभाग पर चल रहे विवाद के बीच सीआईडी विभाग में सुधार के लिए कमेटी के गठन को मंजूरी मिल चुकी है। गृह सचिव की अध्यक्षता में 3 सदस्य कमेटी गठित की गई। इस कमेटी को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी और इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। बता दें कि सीआईडी विभाग में सुधार के लिए गृहमंत्री अनिल विज ने कमेटी का गठन किया था, जिस पर फाइनल मुहर लग गई है। सीआईडी विवाद पर गृहमंत्री अनिल विज का बड़ा बयान सामने आया है। गुरुग्राम में मीडिया से बातचीत करते हुए अनिल विज ने कहा कि सीआईडी विभाग गृह मंत्रालय का अभिन्न अंग है।
साथ ही उन्होंने कहा कि सीआईडी विभाग गृह मंत्रालय के अंडर आता है। उन्होंने कहा कि हालांकि सीएम चाहे तो वो इसे अलग करके अलग डिपार्टमेंट भी बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें कैबिनेट की मंजूरी और विधानसभा लेनी होगी। अनिल विज ने कहा कि हम इसका भी पता लगाएंगे कि वेबसाइट से पोर्टफोलियो हटाने का काम किसने किया था। रोहतक में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर विपक्षी नेताओं के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि सरकार के कार्यक्रम पब्लिक में साझा करने की जरूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने बुढ़ापा पेंशन में बढ़ोतरी पर बजट का हवाला देते हुए कहा कि यह केवल दो महीने की सरकार में पहला कदम था, रेवेन्यू आएगा तो पेंशन और बढ़ाई जाएगी। इस दौरान दुष्यंत ने हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी नेता 70 दिनों में सिर्फ गठबंधन तोड़ने की बात करते रहे, इनके पास कोई दूसरा मुद्दा नजर नहीं आया। प्याज की आसमान छूती कीमतों पर अब कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। अब तक 12,000 टन प्याज विदेश से आ चुकी है और जो राज्यों के बीच वितरण भी करने की तैयारी में है। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को प्याज 39 से 58 रुपए प्रति किलो की दर से दी जाएगी। हालांकि अलग जायके की वजह से आयात प्याज खरीदने के राज्य में कुछ हिचक भी रहे हैं। आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में खुदरा प्याज अभी भी 50 से 80 रुपए किलो बिक रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था ढलान की ओर जाती दिख रही है। नए साल के बमुश्किल 10 दिन बीते हैं और अर्थव्यवस्था की 3 बुरी खबरें आ चुकी हैं। गुरुवार 9 जनवरी को विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर का अनुमान 6.5% से घटाकर 5% कर दिया है। बजट पेश करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग के बड़े अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों से मुलाकात की और अर्थव्यवस्था को संकट से उबारने पर चर्चा की। आयकर विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म भरने के लिए नियमों में हुए बदलावों को वापस ले लिया है। इससे करदाताओं को राहत मिलेगी क्योंकि वो सरल फॉर्म भर पाएंगे। आयकर विभाग ने कहा था कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी एक मकान का संयुक्त मालिक है तो वो अपना रिटर्न आईटीआर 1 सहज या आईटीआर 4 सुगम के द्वार पर भर सकता है। बता दें कि इसको लेकर फिर से आयकर विभाग ने पलट दिया है और करदाताओं को राहत दे दी है। भारत ने डर्बन में मेजबान दक्षिण अफ्रीका को 69 रन से हराकर 4 देशों की अंडर 19 सीरीज जीत ली है। विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ने शतक और बाएं हाथ के स्पिनर ने एक विकेट की मदद से भारत ने एक खिताब अपने नाम किया। भारत ने पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर 7 विकेट के नुकसान पर 259 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया था। भारत और श्रीलंका के बीच 3 T20 की सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच आज पुणे में खेला जाएगा। सीरीज में टीम इंडिया 1-0 से आगे है। सीरीज का पहला मुकाबला गुवाहाटी में बारिश की वजह से रद्द हो गया था। इंदौर में खेले गए दूसरे मैच में भारत ने श्रीलंका को 7 विकेट से हराया और आज सीरीज का आखिरी मुकाबला पुणे में खेला जाएगा। इससे पहले 2016 में श्रीलंका ने भारत को यहां 5 विकेट से हराया था। आज होने वाले मुकाबले के दौरान जसप्रीत बुमराह की T20 में भारत के सबसे सफल गेंदबाज बन सकते हैं। उन्होंने 44 मैच में अब तक 52 विकेट भी लिए। दूसरी ओर सीनियर तेज गेंदबाजों की गैर मौजूदगी में शार्दुल ठाकुर और नवदीप सैनी को मौका मिला है और वो अपने खेल से प्रभावित करने में सफल भी रहे। इंदौर में दोनों गेंदबाजों ने मिलकर 5 विकेट लिए थे। इंदौर में जीत के बाद कप्तान विराट कोहली ने कहा था कि उनकी टीम हर मैच के बाद बेहतर हो रही है। भारत की शीर्ष महिला बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और साइना नेहवाल ने गुरुवार को मलेशिया मास्टर्स टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। विश्व चैंपियन सिंधु ने जापान की आया ओहरी को 21-10, 21-15 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। पुरुष एकल वर्ग में समीर का सफर दूसरे दौर में खत्म हो चुका है। समीर को मलेशिया के ली जिल जिया ने 21-19, 22-20 से हराया था। असम की 12 साल की तीरदान शिवांगिनी गोहेन अभ्यास के दौरान गले में तीर लगने से घायल हो गई। गोहेन को उपचार के लिए दिल्ली के एम्स अस्पताल भर्ती कराया गया। यह घटना उस समय हुई जब वो खेलो इंडिया गेम्स से ठीक एक दिन पहले गुरुवार को असम के डिब्रूगढ़ के छबुआ में अभ्यास कर रही थी। गोहेन के उपचार का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। इसमें एयरलिफ्ट कर गोहेन को दिल्ली लेकर आया गया। शहनाज गिल की लड़ाई घर के बर्तनों की सफाई को लेकर देखने को मिल रही है। घर के बर्तन की सफाई की ड्यूटी माहिरा की है तो इसलिए शहनाज उन्हें करने के लिए कहती हैं। शहनाज के इस बात से माहिरा नाराज हो जाती हैं। माहिरा कहती हैं कि वो इसे कर देंगी लेकिन इसके लिए उन पर कोई दबाव नहीं बनाया जाए। इसके अलावा घर में हर्ष भी एंट्री कर ली है। हर्ष घर वालों को कॉमेडी की ट्रेनिंग देते हुए नजर आए।
ऋतिक रोशन आज यानी 10 जनवरी को अपने बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। उनकी एक्स वाइफ सुजैन ने बड़े ही स्पेशल तरीके से ऋतिक को बर्थडे विश किया। आपको बता दें कि सुजैन ने ऋतिक की उनकी दोनों बेटों संग कुछ क्यूट फोटोज शेयर की हैं। बता दें कि तलाक के बाद भी ऋतिक और सुजैन काफी अच्छे दोस्त हैं। सुजैन खान ऋतिक के परिवार के लिए हर वक्त खड़ी रहती हैं, वहीं ऋतिक भी सुजैन के परिवार संग मिलते जुलते रहते हैं। जेएनयू हिंसा मामले में कई बॉलीवुड स्टार्स की ओपिनियन सामने आने के बाद सनी लियोन ने भी अपना रिएक्शन रखा है। उन्होंने इस मामले में हिंसा को लेकर कड़ी फटकार लगाई। सनी ने जेएनयू हिंसा को लेकर कहा कि मैं अपनी ओपिनियन उस चीज को लेकर नहीं देना चाहती जिसे लेकर लोग लड़ रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि मुझे लगता है कि समय आ गया है कि हम धरती को लेकर गंभीर हो जाएं और नेचर ने हमें जो जीवन दान दिया है उसकी इज्जत करते हुए हम नेचर को प्रोटेक्ट करें। चलिए सुपर फास्ट 100 में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।